मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर तो सभी लोग बहुत लाइक करते हैं। फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। हम इसको 3 स्टेप्स में तैयार करेंगे। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 प्याज बड़े साइज में कट करके रखे हैं। हम कढ़ाई पनीर बना रहे हैं इसलिए प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च हमें बड़े साइज में ही कट करनी है। 2 टमाटर की मैंने प्यूरी तैयार कर ली है, आप चाहें तो चॉप भी करके रख सकते हैं। 200 ग्राम पनीर मैंने बड़े साइज में कट किया है, देखिए फ्रेंड्स बड़े साइज में कट किया हुआ है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच और 1 छोटा प्याज मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीक कद्दूकस किया हुआ है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं। देखिए, 1/2 कप मैंने हरा धनिया लिया है साबुत, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे साबुत जीरा लिया है, 2-3 तेज पत्ते लिए हैं, 1 इंच जितनी दालचीनी ली है, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची ली हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन मसालों को रोस्ट कर लेंगे। आप किसी भी कढ़ाई में इसको रोस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ले रही हूँ इनको रोस्ट करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में धनिया डाल दिया है, जीरा भी डाल दिया है और तेज पत्ते, इलायची और दालचीनी भी डाल दी है। अब हम इनको बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, कम से कम 4 से 5 मिनट। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये खड़े मसाले मैं रोस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आएगा। देखिए रोस्ट होने लग गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम इनको ठंडा करके और जार में बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। आपको बाजार से रेडीमेड मसाला नहीं लाना पड़ेगा, अब हम घर में कढ़ाई पनीर का मसाला तैयार कर सकते हैं। देखिए रोस्ट हो गए हैं, मैं गैस के फ्लेम को बंद कर रही हूँ और ठंडा होने तक वेट करती हूँ। आइए फ्रेंड्स, जब तक हमारे रोस्ट किए हुए मसाले ठंडे होकर के हम उसको पीसते हैं, तब तक हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। देखिए, मैंने कढ़ाई में यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल जो भी आप यूज़ में लेते हैं। फ्रेंड्स, रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है, हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। सबसे पहले मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया है, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे, देखिए मैंने पेस्ट भी डाल दिया है। बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज और लहसुन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप टमाटर की प्यूरी ली है, बहुत अच्छे से पकने देंगे। फ्रेंड्स, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर 3 चम्मच डाला है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने रोस्ट करे हुए मसाले पीस लिए हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दूंगी और अब हम इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको ठंडा करने के लिए आप चाहें तो किसी बड़े बर्तन में भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चाहें तो चाइनीज कढ़ाई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली है, इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो चुका है, अब सबसे पहले हमने जो बड़ा प्याज काटा हुआ था वो डाल देंगे। शिमला मिर्च भी डाल देंगे, हमें शिमला मिर्च इसमें ज़्यादा डालनी है क्योंकि कढ़ाई पनीर में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है शिमला मिर्च का। फ्रेंड्स, हमें इसको जलाना नहीं है पर ऑलमोस्ट जलने जैसा कर देना है। फ्लेम को मैं मीडियम रखूंगी, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे। मैंने नमक डाल दिया है,
थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। पनीर भी डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे। सब चीज़ें हम इसमें डाल करके और उसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें मैं कसूरी मेथी डाल दूंगी, आधा चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज का और पनीर का कुछ कलर चेंज होने लगा है। अभी हम इसको थोड़ी देर और मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है। जला नहीं है पर वैसा ही हो गया है कुछ कुछ। आइए अब हम कढ़ाई चेंज कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्रेवी वाली कढ़ाई में ही सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर आपके पास कढ़ाई बड़ी है तो आप इसमें भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे। मैंने ग्रेवी को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। फ्रेंड्स, इसको मैं कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी ग्रेवी इसमें डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए लुकिंग में ही कितना बढ़िया लग रहा है कढ़ाई पनीर। फ्रेंड्स, इसमें मैं एक चम्मच चीनी डाल रही हूँ ताकि मिर्ची सेट हो जाए, ज्यादा नहीं रहे। एक चम्मच मैंने इसमें फ्रेश क्रीम भी डाली है। हमने जो मसाले रोस्ट किए हैं, आइए अब हम वो डालना स्टार्ट करते हैं। हमें सारा मसाला नहीं डालना है। मैंने यहाँ पे पहले 2 चम्मच मसाला डाला है। अगर आपको कम लगता है तो आप और डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देंगे। हमें बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है, नहीं तो पनीर टूट जाएगा। और इसमें यहाँ पे मैं 2-3 ड्रॉप रेड कलर की डाल रही हूँ। ऑप्शनली है, अगर आप चाहें तो डालें वरना ना डालें। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अब इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सब चीज एक साथ डाल के भी मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर आप चाहें बिल्कुल मखमली टेस्ट, तो आप इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके भी डाल दीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल मखमली टेस्ट का कढ़ाई पनीर बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में तैयार कर लिया है। देखिए, मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया है। डाल देंगे और अब धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से हम इसको मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्रेंड्स, कढ़ाई पनीर बिल्कुल रेडी है। आइए सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने सर्व भी कर दिया है। अब आप जब चाहें तब बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अब आपको कहीं भी रेस्टोरेंट या ढाबे में नहीं जाना पड़ेगा। थोड़ा सा टिपिकल तो है पर बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है कढ़ाई पनीर। तो फ्रेंड्स, किसी भी ओकेजन पे आप बनाएं और टेस्ट करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।